होली पर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में लगी इंदौर पुलिस ने मंगलवार को जमकर होली का आनंद लिया। डीआरपी लाइन में पुलिस ने जमकर गुलाल उड़ाया। पुलिसकर्मियों ने पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर होली मनाई। इंदौर पुलिस कमिश्नरी में आने वाले करीब 42 थानों के अधिकारियों, थाना प्रभारियों और पुलिस जवानों ने डीआरपी लाइन पर जमकर होली खेली। पुलिस की होली में अधिकारी से लेकर जवान तक होली के रंगों में डूबे नजर आए। पुलिस कर्मियों ने डीजे पर जमकर डांस भी किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को अबीर रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने होली के गाने गाए, जिस पर पुलिसकर्मी जमकर थिरके। इस दौरान पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, एडिशनल सीपी सहित यातायात एडिशनल सीपी और इंदौर के सभी डीसीपी, एसीपी और करीब 25 से ज्यादा थाना प्रभारी भी होली में मौजूद रहे, जहां पुलिसकर्मियों ने फायर फाइटर से पानी उड़ाया और कीचड़ होली में एक दूसरे को मिट्टी में सरोबोर कर दिया। पुलिस होली के बारे में कमिश्नर राकेश गुप्ता ने बताया कि होली की ड्यूटी से फ्री होने के बाद आज पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी अपने अधिकारियों के साथ होली खेल रहे हैं। जैसे शहर ने शांति व्यवस्था के साथ होली खेली, इसी तरह की होली आज खेली जा रही है। इस दौरान उन्होंने रंग पंचमी पर हुड़दंग मचाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि इंदौर के विश्व प्रसिद्ध गैर में किसी ने बोरियां या फटे हुए कपड़े फेंकने की कोशिश की या हथियार लेकर गैर में शामिल हुए तो उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही है, कल मुझे लगता है कि हमारे पूरे शहर ने होली मनाई और बड़े हर्षोल्लास के साथ होली कल मनी है। और आज जब कल पूरी रात भर की ड्यूटी करने के बाद पुलिसकर्मी आज अपनी होली मना रहे हैं, बड़ी खुशी और हर्षोल्लास का माहौल मैं देख रहा हूं कि मेरे सभी कर्मचारियों के बीच में है। और होली हमेशा से ही एक खुशी और हर्षोल्लास का त्यौहार रहा है, तो आज पुलिसकर्मी भी इसको मना रहे हैं। सर, आगामी दिनों में रंग पंचमी भी एक बड़ा जत्था। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।